हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु गुप्ता आर्टाना क्लब। और अब मैं आया हूँ फुल एनर्जेटिक मूड में। अभी मैं हूँ मंदिर वाले सेक्शन में और यहाँ श्री राम की कृपा मुझ पर हो चुकी है, बहुत एनर्जी आ चुकी है और रात के बज रहे हैं 11। और मैं यहाँ पर फेस, ये है फेस रावण का, तो मैं इस फेस में मेकअप करने जा रहा हूँ। और मैंने अपना पूरा सेटअप पेंटिंग का ये रख लिया है। इसके अलावा मैं अकेला हूँ यहाँ पर, शांति में बिल्कुल एकदम। अरे जैकेट वैकेट उतारता हूँ, बहुत गर्मी भी लग रही है। और मैं इसको बढ़िया करके अभी पेंटिंग करता हूँ खूबसूरत से इसमें, और मुझे अग्रेशन दिखाना आपकी बार, तो देखते हैं कैसा आता है। तो बने रहिए वीडियो में, मैं स्टेप बाई स्टेप डालता रहूँगा। अगर कोई और दूसरा मेरे पास आया यहाँ पर तो ब्लॉगिंग भी मैं कराता रहूँगा। और जितने टाइम मैं कैमरा मतलब अकेला रहता हूँ और कोई भी वर्क करता हूँ तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मेरा काम करते हुए वीडियो आपने कमी देखा होगा क्योंकि मेरा हाथ ऐसा सना रहता है बिल्कुल, ये देख रहे होंगे आप। तो मैं कैमरा, अभी मेरा फ़ोन भी इतना गंदा हो चुका है क्योंकि मैं बार बार गंदे हाथ से इसको फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही दशहरा निपटता है, न्यू कवर, नया स्क्रीन गार्ड सब लगाता हूँ बढ़िया करके। तो अभी चलना जैसा भी चलता है चलने दीजिए, और कोई और आता था मैं ब्लॉगिंग करवाऊँगा अपनी, और वरना स्टेप बाय स्टेप जैसे भी चलता रहेगा मैं इस वीडियो को मैं दिखाते रहूँगा कि अभी आईब्रो हो गई या आईज हो गई, आई बॉल हो गया, मुस्तैच हो गई, ठीक है। और जो भी हम इसमें इसके हेयर्स वगैरह दे रहे हैं और जो भी हम तिलक देंगे तो मतलब अच्छा होने वाला है, देखते हैं कैसा आता है। तो बने रहिए वीडियो में। तो मैंने यहाँ पर रफ कट्टा जैसा बिछा लिया और ये मेरा फेस मतलब रावण का फेस जो मैं बना रहा हूँ, और ये है मेरा पेंटिंग। तो पेपर मैशे से उसमें अग्रेशन तो मैंने दिखा दिया है, और यहाँ पर अब देखते हैं, पहले चीक्स को रेड करता हूँ। और मेरे लिए पानी भी आ गया है, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर है, हमारे मनु सर। और बड़े अभी मैं कल मनु सर से मैं आपका स्पेशल इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये एक ऐसे वजह शख्स हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो अभी तो जरा मैं बिजी हूँ, मैं फुर्सत में मनु सर से आपकी बात कराऊंगा। सो व्यूवर्स, हमने इसमें एक शेडिंग जैसे दे दी है, जो अग्रेशन इसका है, रिंकल्स में जो शेडिंग आनी चाहिए वो मैं इसमें दे चुका हूँ। अभी अब इसकी आईबॉल मुस्तिच वगैरह में काम करने वाले हैं और तिलक लगाने वाले हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इसमें तिलक, तो मैं अपना कलर्स लेके आता हूँ। और यहाँ पर मैं ना बाई मिस्टेक टारपेंटाइन लाना भूल गया, सारे कलर्स तो हैं यहाँ पर, टारपेंटाइन नहीं है, तो फिर मैं वो लेके आता हूँ। और इसके अलावा रेड कलर, अभी जो मैंने सेटिंग करी है सारी ऑरेंज कलर से करी है, तो मैं रेड कलर लेके आता हूँ जिसमें येलो एंड रेड कलर का हम तिलक दिखाएंगे और व्हाइट कलर का भी यूज़ होगा। व्हाइट कलर तो मेरा ये रखा हुआ है, सारे ब्रशेस के सेट ये रखे हुए हैं, और मेरी मर्जिंग वाला टूल ये रहा, मेरा शस्त्र है ये। और बाकी आप देख सकते हैं इसके ऑरा एंड मुकुट, बहुत मतलब नेचुरल, इतना नेचुरल मेरा, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। व्यूअर्स, अभी हमने यहाँ पर इसका तिलक भी कंप्लीट कर लिया है और मैं इसके लिप्स में शुरू कर चुका हूँ, और मेरे ब्रश में रेड पेंट लग चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है। और हमारे मनोज सर यहाँ पर हैं, मिथिलेश सर हैं यहाँ पर, और वीरेन सर हैं, कुनिका है यहाँ पर। तो मेरे को बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर आ रही है, और मंदिर के अंदर मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर शक्ति तो अभी बहुत अच्छी चल रही है। तो दो दिन से मैं वैसे ही सोया नहीं हूँ, लेकिन हाँ अभी मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और चल ही रहा है वर्क। अभी मैंने व्हाइट इसकी आई आई का व्हाइट सेक्शन भी कर लिया, अभी मैं आई बॉल बनाने जाऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर उसके बाद हम उसमें डिटेलिंग करेंगे। और अभी मैंने ब्लैक कलर भी मंगा लिया है इसकी मुस्तैच और आईब्रोज में, मैं पहले ब्लैक कलर करूँगा उसके बाद मैं आई बॉल में वर्क करूँगा। तो व्यूअर्स, इस टाइम बड़ा स्पेशल टाइम है और एनर्जी मेरी ना डबल हो चुकी है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसका रीजन है ये, आप देखिए विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट आई बॉल और आई, हम लोगों ने देखी इसका एक्सप्रेशन जो हम चाह रहे थे वो चीज आने लग गया इसका। तो अभी मुझे नहीं पता कि इमेजिनरी मेरी बड़ी तगड़ी चल रही है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा मेरे हाई चल रही है इस टाइम में कि आईज कैसे होने वाली है और क्या चीजें होने वाली है। लेकिन जितना भी बन गया ना, मैं इसको लाइव देख रहा था, मैंने अपनी लाइफ में ना ऐसा कभी बनाया नहीं था अग्रेशन। मैं हमेशा अक्षय कुमार को इतना खूबसूरत चार्मिंग बनाया मैंने, लेकिन ये इसका एग्रेशन जो मुझे चाहिए था ना, और जो मैंने इमेजिन करा था कि इतना आना चाहिए, और पता नहीं मेरा ऐसा आएगा नहीं आएगा क्योंकि मुझे अक्षय कुमार की आदत हो गई थी कि सिंपल और क्यूटनेस चाहिए थी, ये आ रहा है। और अभी मैं रिंकल में ना थोड़ा सा और काम करने वाला हूँ, और आई बॉल में तो मैं करूँगा ही, तो देखते हैं कैसा आता है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ इसके मतलब क्लियर शॉट टॉप व्यू से। तो यहाँ पर
एक तरफ रामलीला की आवाज आ रही है, बहुत सुंदर सुंदर सीन नीचे चल रहे हैं, वो भी मेरी इमेजिनेशन चल रही है, और आई रावण का भी सीन चल रहा है, और बहुत रावण वाली आवाज आ रही है, और उससे इसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, रामलीला के गाने का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस टाइम पे। और देखिए बन के आ रहा है चीज इसकी, और डिटेलिंग मैं तो लास्ट में करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें क्रेप वगैरह आएगी, मैं तो पेंट से इसके सिर्फ इसका एक्सप्रेशन फील कर रहा हूँ कि कैसा आने वाला है और कैसे हम लोग और इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैं इसलिए पेंट कर रहा हूँ, बाकी इसकी जो चीज़ें डिटेलिंग होगी वो सारी क्रेप से होगी। और अभी मैं सबसे पहले ना इसमें आई लाइनर करूंगा, वो लाइनर ब्लैक कलर की लगाऊंगा, और इसके अलावा आई बॉल मैं लास्ट में लगाऊंगा, क्योंकि ये व्हाइट मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया, ये सूखा नहीं है, अगर मैं इसमें कलर डाल लूंगा तो दोनों मिक्स हो जाएगा, तो वो कलर जो मुझे चाहिए वो आएगा भी नहीं, तो डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा हम पेशेंस रखेंगे, और यहाँ पे मेरे फैमिली वाले भी आए हुए हैं, तो मैं उनको छोड़ के भी आ जाऊंगा, तब तक ये व्हाइट इसका सूख जाएगा, तो अभी मैं लाइनर कर रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या आता है। मुझे पता है रुक रुक ये भी चलते हैं फिर। ये जो नाक में सलवट दिए ना, बहुत जबरदस्त, इससे एविएशन का जो सीमा दिखेगी भाई। गुड, तो व्यूअर्स हमारा आई के जो लाइनर है वो हो चुकी, देखिए आप, और हमारे प्रभात दा यहाँ पर आ गए निरीक्षण करते हुए। तो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है ये, जो दिवाली जो दशहरी की जो पहली रात होती है, मतलब दशहरी वाली रात कह लें या उसकी पहली रात, नवमी वाली रात, ये इसमें सारे जितने कलाकार होते हैं, जब हमारा पुतला असेंबल होने लग जाता है तो सब उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और नई और जो चीज़ें ऐड करनी है वो सारी चीज़ें हमें इस दिमाग में आती हैं। तो अभी हम सब यहाँ पर हैं मंदिर वाले कमरे में, तो हम तीन, सुधीर सर मेरे साथ में हैं, और प्रभात दा हैं, मैं हूँ, और मनोज दा हैं, दोनों बच्चे हैं हमारे। तो व्यूअर्स, सो रात के बज चुके हैं एक, और मेरे साथ मेरे बच्चे, और बढ़िया करके वर्क कर रहे हैं डेडिकेशन से, जो कि अभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। तो जूमिंग मतलब ये प्रियांशु बोल रहा है जूम करो, और जो कि सेल्फी में तो अभी जूम नहीं होगा, फोन अगली बार मैं चेंज करूंगा तो महंगा वाला फोन लेंगे, फिर करेंगे बात। तो लेकिन कैमरा इसका अच्छा है, कोई बात नहीं, ओप्पो 19 प्रो प्लस जो भी है मेरा मॉडल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो ये चीज है। तो ये विश्वेश, प्रियांशु, और हमारे बोरा जी। बोरा जी यार यहाँ को तुम यार मुंह नहीं दिखाते यार। हेलो हेलो हेलो। और हमारे और गाइस यहाँ पर हिमांशु दा का सब्सक्राइब चैनल कर देना, चैनल और सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चैनल को। हाँ तो ये गाइस शेयर जरूर करना है और सपोर्ट भी करना है, शेयर भी करना है, मेहनत कर रहे हैं रात भर, तो थोड़ा सपोर्ट तो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी पब्लिक बहुत अच्छी है, पहले काम चालू करते हैं फिर दोबारा शुरू करते हैं। रात के बज चुके एक, और हमारी रामलीला खत्म हो चुकी है, और रावण राम युद्ध भी हो चुका है, लेकिन रावण जी का भी वध नहीं हुआ है, रावण का वध होगा कल, और पुतले के साथ होगा, पुतला हमारा बन रहा है, और यहाँ पर हमारे सीनियर मेंबर सारे वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे मन्नू सर, प्रभात दा और मन्नू दा। मेरी थोड़ी जवान हक लग रही है क्योंकि मैं नींद में हूँ उस टाइम पे, 2 दिन की पूरी नींद है, लेकिन मैं एनर्जेटिक फुल हूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा थोड़ा बन के आने लग गया है, तो मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर पारस अभी भी राम का कैरेक्टर प्ले कर गया है, और सुधीर सर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो गोटे है ना, उसके जो किरण है वो काट रहे हैं, गोटे के किरण, जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स में बॉर्डर्स आने वाले हैं, तो वो सारी चीजें हमारे सुधीर सर काट रहे हैं। और यहाँ पर प्रभात दा जो है इसके तलवार का कुछ चीज बना रहे हैं, वो जब बन जाएगा तभी मैं दिखाऊंगा क्या चीज बनाया इन्होंने। और इसके अलावा यहाँ पर वीरेन भाई थे अभी तक, जो कि क्रेप वगैरह खोल रहे थे, वो चले गए हैं अभी,
और हम इतने जने हैं यहाँ पर और बाकी कुछ जने हैं हमारे नीचे जो कि वर्क कर रहे हैं। तो ये आप वीडियो देखते रहिए और कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। और आज दशहरा भी लग चुका है तो हमारे सारे जितने भी कलाकार हैं सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं। तो लाइक तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये आप करोगे और साथ में कल दशहरा देखने जरूर आइएगा। नैनीताल का दशहरा बहुत एपिक होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक फॉर्म में शायद ये हो सकता है कल। तो ये आप लोगों को बनाना है तो जरूर आइए। आ जाए संजू भैया सुषेण वैद्य कह रहे थे अभी आप ये भाई अभी हमारा थोड़ा सा गिर गया और बड़ा बुरा गिरा, हम संभाल भी नहीं पाए, मेरे आंखों के सामने गिरा और उसकी कमर में चोट लग गई और उसको थोड़ा भूख भी लग गई। तो अभी हम इसके लिए मैगी मंगा रहे हैं और ये कल रात भी हमारे साथ पूरा बना हुआ था संजय भाई हमारा और बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी हर एक चीज़ की। गाइस मैं आ गया अपने किचन वाले एरिया में और हम लोग जा रहे हैं पुतली की तरफ जहाँ पर हमारा फेस बन रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फेस इतना हो गया है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ आई बॉल जो इसका सूखना है आई वाला सेक्शन, जब फिर मैं उसके बाद आई बॉल बनाऊंगा। और हमारे साथ मनोज दा अध्यक्ष जी और हेमंत दा हमारे ये हैं और शानू दा हमारे ये बैठे हुए हैं। तो सारे कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल एक्टिव हैं और आज सब यहीं पर ही रहने वाले हैं, सारे पुतले को सेटिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा होता है आगे और चीज़ें।